वेलकम बैक टू माई चैनल। टुडे आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मेरी करंट स्किन केयर रूटीन क्या है। मुझे मेरी स्किन केयर रूटीन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और आप अपनी स्किन केयर रूटीन बताएं। ऑल्दो हर बंदे की स्किन डिफरेंट होती है, कुछ चीजें जो मुझे सूट करें आपको नहीं करेंगी। किसी की स्किन केयर रूटीन आप एग्जैक्टली रेप्लीकेट करो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी स्किन उस जैसी हो जाएगी। स्किन केयर कंसर्न सबके डिफरेंट होते हैं, लेकिन बिकॉज यू गाइस वांटेड मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ऑल्सो दिस वे आई कैन गिव यू मेनी रिव्यूज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव बीन यूजिंग। यू गाइस आस्क मी फॉर लोकल ऑप्शंस जो कि अफोर्डेबल हैं। लोकल ऑप्शंस ऑब्वियसली इंटरनेशनल ब्रांड से ज्यादा अफोर्डेबल भी होंगी, इजीली अवेलेबल होंगी आप सबके लिए। तो मैंने सोचा कि मैं कम्प्लीटली लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी स्किन केयर रूटीन बनाऊं। और इन प्रोडक्ट्स को तकरीबन 2 महीने हो गए मुझे यूज करते हुए। कुछ थोड़े नए हैं लेकिन कुछ मैं काफी अरसे से यूज कर रही हूँ, इतने अरसे से कर रही हूँ कि नाउ आई हैव एन ओपिनियन अबाउट इट। एंड बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, टू थिंग्स। एक के प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई पोस्ट अ लॉट ऑफ शॉर्ट फॉर्म स्किन केयर रिलेटेड कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम, सो यू कैन चेक दैट आउट। आई लीव माई हैंडल। एंड द नेक्स्ट थिंग इज के आई हैव टू शेयर माई skin type with you before I share my skincare routine. My skin type is dry. मुझे actives use किए हुए काफी साल हो गए हैं, तो मेरी tolerance skin की काफी build हो चुकी है। मेरे जो key skin के issues हैं वो dryness है, fine lines हैं, because मेरी skin बहुत dry है तो I tend to develop fine lines especially around my forehead and smile lines मेरी थोड़ी सी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। एंड ऑल्सो मुझे ऑन एंड ऑफ पिगमेंटेशन का भी इशू हो जाता है, स्पेशली अराउंड माई माउथ। एंड अगर कोई पिंपल या कोई चीज निकल आए तो बहुत मुश्किल से वो मार्क मेरी स्किन से जाता है, बिकॉज मेरी स्किन बॉडी की भी और फेस की भी ऐसी है कोई भी दाना या कोई कीड़ा काट जाए या कोई भी चीज होना उसका निशान जाने में इट टेक्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो दिस इज माई स्किन टाइप एंड दीज आर माई स्किन केयर कंसर्न्स। एंड विदाउट मेकिंग द इंट्रो सुपर लॉन्ग, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सबसे पहले AM रूटीन, सुबह की रूटीन से हम स्टार्ट करेंगे। सुबह सबसे पहले आई यूज अ जेंटल क्लेंजर। द वन आई एम करंटली using is the Hira Ali aloe vera cleansing face wash. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मेरी ड्राई स्किन के साथ ये बहुत सूट मुझे करता है। एलोवेरा सेंसिटिव स्किन हो, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, हर किसी के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर एलोवेरा के साथ साथ माइल्ड लैक्टिक एसिड भी है जो कि एक माइल्ड एक्सफोलिएटर भी है। क्लेंजर्स में मुझे एक्सफोलिएटर्स पसंद हैं, उस तरह मेरी स्किन एक्सफोलिएट भी हो जाती है और वो स्किन के लिए हार्श भी नहीं होता। स्किन से कितना थोड़ा रह गया, आई बिन लविंग इट फॉर 2 मंथ्स एंड मैं डेली यूज करती हूँ एंड माई स्किन एब्सोल्युटली लव्स दिस वन। आफ्टर वॉशिंग माई फेस आई गो इन विद अ सीरम। अब जो सीरम मैं यूज करती हूँ वो 2 किस्म के हैं, एक दिन मैं एक यूज करती हूँ, दूसरे दिन मैं दूसरा यूज करती हूँ। दीज आर द 2 दैट आई यूज। एक है ऑर्गेनिक लैब का ग्लास स्किन रिफाइनिंग सीरम, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है और नाइसिनमाइड है। नाइसिनमाइड 5% है और हाइलुरोनिक एसिड 1%। पाकिस्तान के मैंने बहुत सारे नाइसिनमाइड सीरम्स यूज किए एंड ऑनेस्टली दिस हैज बीन माय फेवरेट। इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट ग्लास स्किन इफेक्ट, इट एक्चुअली डज गिव यू दैट। तो एक दिन मैं ये यूज करती हूँ, उसके बाद एक दिन फिर मैं यूज करती हूँ सीका पेप्टाइड रिकवरी सीरम बाय द प्राइमरी। इसके अंदर बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, नाइसिनमाइड, मेट्रिक्सिल, आर्जरलाइन, सिंटेला, एजियाटिका, ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट एंड लिक्रिज रूट एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स भी हैं, ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स भी हैं। एंड ऑल्सो इफ यूर समवन जिसकी ड्राई स्किन है एंड यू आर स्ट्रगलिंग विद फाइन लाइंस एंड रिंकल्स भी या प्रीमेच्योर एजिंग, उस सब के लिए दिस इज अ रियली गुड सीरम। मेरी ड्राई स्किन को ये काफी सूट करता है। मैं इससे पहले द ऑर्डिनरी का मेट्रिक्सिल यूज कर रही थी एंड ऑनेस्टली आई फील के काफी सिमिलर रिजल्ट्स हैं। आई एम रियली क्लोज टू 30 नाउ एंड early signs of aging बहुत आजकल हमारी लाइफ स्टाइल बिकॉज ऑफ द वे वी ईट एंड द पोल्यूशन एंड एवरीथिंग बहुत जल्दी नजर आना शुरू हो जाती है स्किन के ऊपर। सो दिस हैज बीन रियली गुड फॉर माई फाइन लाइन्स ऑन माई फोरहेड एंड ऑल्सो दिस, बिकॉज दोनों हाइड्रेटिंग सीरम्स हैं, इनमें नाइसिनमाइड भी है विच इज रियली गुड फॉर स्किन ब्राइटनिंग एंड स्किन की इवन टोन के लिए। सो बोथ ऑफ देम हैव बीन रियली वर्किंग आउट फॉर मी इन माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। आई लव यूजिंग दीज अल्टरनेटिवली एंड एक दिन मैं एक लगा लेती हूँ, एक दिन एक, एंड दे रियली वर्क आउट फॉर मी। मॉइस्चराइजर जो मेरे मॉर्निंग वाले हैं आई यूज
टू कभी कोई लगा लेती हूँ कभी कोई. ऑर्गेनिक लैब ग्लास स्किन मॉइस्चराइजर आई रियली लाइक इट. इसमें पॉलीग्लूटामिक एसिड है विच इज 4 to 5 times मोर इफेक्टिव देन हाइलुरोनिक एसिड. एंड इसमें सेरेमाइड्स भी हैं, विटामिन B5 भी है. सो लाइक ओवरऑल अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर एंड आई रियली इंजॉय यूजिंग दिस. समटाइम्स आई यूज दिस एंड अदर टाइम्स. सॉरी, इस मॉइस्चराइजर की जो वीडियो थी वो करप्ट हो गई, तो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड अ वॉइस ओवर. दिस इज़ द अदर मॉइस्चराइजर दैट आई एम यूजिंग और ये आजकल मेरा फेवरेट हुआ है टू बी ऑनेस्ट. दिस इज़ अ वेरी लाइट वेट मॉइस्चराइजर और लाइट वेट होने के साथ साथ ये काफ़ी अच्छी तरह हाइड्रेटिंग भी है. सो इट डजेंट फील दैट थिक एंड इसके अंदर SPF 20 है. ऑल्दो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉट इनफ. आपको सेपरेटली सनस्क्रीन ज़रूर पहनना है, लेकिन एज एन एड ऑन दिस इज़ नॉट बैड. इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे सेरेमाइड्स हैं विच इज़ लवली. उसके अलावा एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, हाइलुरोनिक एसिड और ओवरऑल वेरी गुड हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स. आई करंटली रियली लाइक दिस. I use a sunscreen obviously and the two that I'm currently using दोनों मैं alternatively use कर लेती हूँ. Basically I'm testing both of these out for you guys. The first one is from Clean Beauty. This is their new sunscreen. It is the melt-in sunscreen. I actually quite like this because इसके अंदर UV filters के अलावा कुछ अच्छे ingredients भी हैं which I really like alpha butin, aloe vera extract. इसके साथ white cast भी नहीं होता. This is a hybrid sunscreen. This is not just a mineral sunscreen. लेकिन इसके अंदर titanium dioxide और zinc oxide दोनों हैं. It doesn't peel on my skin as in इसके पीसेज उतरते नहीं है. वो जो काफ़ी ज़्यादा आप लगाते हो ना तो वो आपकी स्किन पे उतरना शुरू हो जाता है. ये काफ़ी अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है. एंड द अमाउंट आई यूज 2 finger लेंथ की अमाउंट एंड थोड़ा टाइम लगता है बट बहुत सही से अब्जॉर्ब हो जाता है. अनफॉर्चुनेटली आई कांट से द सेम थिंग अबाउट दिस. इसको एक लेयर में स्किन पे लगाऊं तो लग जाती है, जब मैं सेकेंड लेयर लगा रही होती हूँ ना, बिकॉज ऑब्वियसली वेन यू यूजिंग 2 finger लेंथ की जितना सनस्क्रीन एक लेयर में वो पूरा मुंह पे नहीं लगा सकते. सो व्हेन आई एम गोइंग इन फॉर द सेकेंड लेयर ना तो ये स्किन पे थोड़ा सा पील ऑफ होता है, तो आई डोंट लाइक दैट. पर मैंने परसों ये लगाया था और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर थी गाड़ी में, ही केप्ट लुकिंग एट मी लाइक तुम्हारी स्किन से पीसेस उतर रहे हैं और इसके ऊपर मेकअप भी अच्छे से नहीं बैठता. मैं यूज करने के बाद आई प्रोबेबली नॉट गेट अगेन. इसके अंदर भी अल्फा ब्यूटिन है और 2-3 और इंग्रेडिएंट्स भी हैं. ये भी एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है. ओके, मूविंग ऑन टू माय नाइट टाइम रूटीन. रात को अगर मैंने बहुत ज्यादा मेकअप किया हो तो आई यूज द हर ब्यूटी ओसो चेरी क्लेंजिंग बाम. अगर बहुत मेकअप किया हो, स्पेशली अगर फुल कवरेज है, दिस रिमूव्स एवरीथिंग. दिस इज वेरी इफेक्टिव एंड आई रियली लाइक इट. इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स हैं, तो अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो जस्ट बी अ लिटिल कॉशियस. अगर मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाया हुआ हो या फिर सिर्फ बेसिक सा कोई मेकअप किया हो, देन आई यूज दिस ऑन अ डेली बेसिस. दिस आई रियली लाइक. ये बड़े आराम से मेकअप उतार देता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इट रिमूव्स एवरीथिंग. इसके बाद थोड़ा सा जो ऑयल रेजिड्यू रह जाता है तो आई ऑब्वियसली डबल क्लेंज. आफ्टर आई यूज दिस आई गो इन विद दिस क्लेंजर. अब ये क्लेंजर ऑयली स्किन वालों के लिए बना है. दिस इज द को नेचुरल टी ट्री एंड नीम फेस वॉश. आई यूज दिस बिकॉज ऑयल रेजिड्यू थोड़ा सा, क्योंकि दिस इज एन ऑयल बेस्ड क्लेंजर, तो जो रह जाता है दिस इज रियली गुड एट रिमूविंग दैट. मेरी स्किन को ओवरली स्ट्रिप भी नहीं करता लेकिन जो ऑयली रेजिड्यू है वो उतार देता है, तो आई रियली लाइक दिस फॉर दैट. एंड समटाइम्स इंस्टेड ऑफ दिस आई यूज द मिंडेलिक एसिड क्लेंजर फ्रॉम जेन फार्म. ये मैं सिर्फ उस दिन यूज करती हूँ जिस दिन मैंने रेटिनॉल नहीं लगाना होता, बिकॉज आई डोंट लाइक यूजिंग अ लॉट ऑफ एक्टिव्स एक साथ. तो अगर मैंने रेटिनॉल लगाना हो इसके बाद तो फिर मैं ये यूज नहीं करती. दिस हैज एन एक्सफोलिएटर विच इज मिंडेलिक एसिड एंड आई रियली लाइक दिस क्लेंजर. अगर आपकी ऑयली स्किन है यू विल रियली लाइक इट, और अगर आपने कभी मेकअप उतारना है तो दिस डज अ रियली गुड जॉब विद मेकअप एज वेल. ओके, द सीरम दैट आई यूज एट नाइट इज दिस रेटिनॉल सीरम बाय ब्लिसफुल. दिस इज अ 1% रेटिनॉल सीरम एंड इट हैज क्वालिन विच इज अ वेरी गुड नरिशिंग ऑयल. तो आई डोंट नो, अगर आपकी ऑयली स्किन है दिस माइट नॉट सूट यू, बट इफ यू हैव ड्राई स्किन एंड यू आर लुकिंग फॉर अ गुड रेटिनॉल दिस इज एक्चुअली क्वाइट नाइस. मैं पहले ऑर्डिनरी का जब यूज करती थी इट्स वेरी सिमिलर टू दैट. इसमें एक चीज है कि सिर्फ 1% में अवेलेबल है. विद द ऑर्डिनरी यू हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स के, 0.1 है, 0.2
5 है, देन 1% है. इसके अंदर सिर्फ आपको 1 स्ट्रेंथ का मिलता है, बट ऑब्वियसली इट्स अ न्यू ब्रांड और बहुत ज्यादा एक साथ शायद इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो इफ यू आर अ बिगिनर, मे बी दिस माइट बी अ बिट हार्श फॉर यू. अगर आप बिगिनर हैं एंड यू वॉन्ट टू यूज दिस, मे बी स्टार्ट विद वंस और ट्वाइस अ वीक, एंड उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव डेज पे इसको लेके जा सकते हैं, डेली पे भी लेके जा सकते हैं. मैं पर्सनली इसको डेली यूज नहीं करती. आई डोंट यूज एनी रेटिनॉल डेली बिकॉज आई फील आई वॉन्ट टू गिव माई स्किन सम ब्रेक. 4 टाइम्स मैं रेटिनॉल यूज करती हूँ, एंड द 3 डेज दैट आई एम नॉट यूजिंग दैट आई यूज द सीका प्लास्ट प्राइमरी का सीरम, जो कि मैं डे टाइम में भी यूज करती हूँ बिकॉज यू कैन यूज इट 2 टाइम्स अ डे वेरी इजिली. सो आई यूज दिस इंस्टेड. माई स्किन इज क्वाइट अकस्टम्ड टू यूजिंग एक्टिव इन्ग्रीडियंट, स्टिल आई लाइक टू गिव माई स्किन अ ब्रेक बिकॉज समटाइम्स बहुत ज्यादा एक्टिव, स्पेशली जो थोड़े हार्श होते हैं जैसे रेटिनॉल, स्किन के लिए ज्यादा हो जाता है. तो आई लाइक टू गिव दैट ब्रेक, एंड आफ्टर आई हैव यूज्ड दैट सीरम आई गो इन विद माई मॉइस्चराइजर. द 2 मॉइस्चराइजर्स दैट आई यूज आर ऑर्गेनिक ट्रेवलर का है ये रैपिड रिपेयर मॉइस्चराइजर. आई रियली रियली इंजॉय दिस. ऑर्गेनिक ट्रेवलर के बहुत सारे प्रोडक्ट मुझे इतने अच्छे नहीं भी लगते, बट दिस इज अ गुड मॉइस्चराइजर बाय देम, एंड आई रियली इंजॉय दिस. दिस हैज सेरामाइड्स. मैंने इसको रिव्यू भी किया हुआ है अपनी विंटर मॉइस्चराइजर वाली वीडियो में, तो अगर आपको इसका फुल रिव्यू चाहिए यू कैन चेक दैट आउट. सम डेज आई यूज दिस, द अदर डेज आई यूज द प्राइमरी बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर. असल में मेरे घर में 2 बाथरूम्स हैं, तो एक जगह मैंने एक मॉइस्चराइजर का सेट रखा होता है, दूसरी जगह जो, तो जहां मैं अपना मुंह और स्किन केयर रूटीन कर रही होती हूँ ना, वो जो मॉइस्चराइजर पड़ा होता है आई यूज. और हफ्ते में एक दफा जब मैं रेटिनॉल नहीं यूज करती, जिस दिन, आई ऑल्सो यूज दिस मैंडेलिक एसिड सीरम विच इज द मैंडेलैक सीरम बाय जेन फार्म. दिस हैज 20% मैंडेलिक एसिड. इट्स गुड फॉर पीपल विद सेंसिटिव स्किन बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएटर कंपेयर टू ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड. दिस यू कैन यूज इफ यू हैव ऑयली स्किन और ड्राई स्किन. आई यूज इट वंस अ वीक, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज ऑलरेडी समटाइम्स आई एम यूजिंग दैट क्लेंजर विच हैज मैंडेलिक एसिड, सो आई डोंट लाइक टू ओवर एक्सफोलिएट माई स्किन. जब ये खत्म होगा आई विल प्रोबेबली मूव टू अ लैक्टिक एसिड सीरम बिकॉज मैंने अपनी स्किन के बारे में एक चीज नोटिस की है कि लैक्टिक एसिड सूट्स मी द मोस्ट. इवन द ऑर्डनरी वाला भी मुझे बस ठीक लगा था. दिस इज अगेन वेरी सिमिलर टू द वन फ्रॉम द ऑर्डनरी, बट I didn't fall in love with that. I didn't fall in love with this. मुझे अपनी स्किन के लिए पर्सनली लैक्टिक एसिड ज्यादा अच्छा लगता है, तो आफ्टर आई फिनिश दिस आई एम गोइंग टू मूव टू अ लैक्टिक एसिड सीरम. सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम.